यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा सलमान खान को 9/51 में दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है तथा क्योंकि 5 वर्ष की सजा हुई है उसका गिरफ्तारी वारंट बन चुका है और उसे सेंट्रल जेल भेजा जाएगा, जोधपुर सेंट्रल जेल। निश्चित तौर पे एक खबर इस वक्त आपको बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में अब सजा का ऐलान हो चुका है और साथ ही सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त काला हिरण शिकार मामले में 20 साल बाद अब फैसला आया है और साथ ही अब सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि जमानत जो है वो अब सलमान खान को नहीं मिल रही है और साथ ही अब जेल जाएंगे सलमान खान और इसके अलावा सलमान खान को अब जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। काला हिरण शिकार का यह मामला है पूरा जो कि 1 अक्टूबर 1998 का है और साथ ही यहां पर अब 20 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल सजा का ऐलान किया गया है, 5 साल की सजा सुनाई गई है सलमान खान को और इसके बाद 10,000 रुपए का जुर्माना भी सलमान खान के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सलमान खान को अब जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले कयास ये थे कि जोधपुर की सेंट्रल जेल में नहीं भेजा जाए, किसी और जेल में भी सलमान खान को भेजा जा सकता है, लेकिन अब आपको बता दें कि सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। काला हिरण शिकार का यह पूरा मामला है 1 अक्टूबर 1998 का, जहां पर सलमान खान और अपने साथियों के साथ में सलमान खान कांगाड़ी गांव के पास में शिकार के लिए गए थे। उसको लेकर आने के बाद समीक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस मामले में लगता है कि न्याय की जीत हुई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो है जो सजा का प्रावधान है इसको लेकर के भी समीक्षा और लोगों में खुशी का माहौल है और पूरा इसमें हम लोग ये चाहेंगे कि जो लोग इसमें आरोप मुक्त हुए उनको भी सजा हो, इस तरीके का मामला रहे। खुशी जो है बिश्नोई समाज में जाहिर तौर पर देखी जा रही है और साथ ही इस बिश्नोई समाज का जिस तरह से पूरा मामला जो है बिश्नोई समाज की ओर से उठाया जा रहा था, 20 साल लंबा इंतजार जो है बेशक करना पड़ा लेकिन अब सजा का ऐलान हुआ है। और इसी बीच कुमार रमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, 5 साल सजा का ऐलान किया गया है कोर्ट की ओर से सलमान खान को। देखिए बिल्कुल 5 साल की सजा का ऐलान किया गया, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सजा है वो मिनिमम 3 साल की है और मैक्सिमम 6 साल की सजा है, तो क्योंकि सरकारी वकील ने मांग की थी कि इनको अधिकतम से अधिकतम सजा होनी चाहिए क्योंकि ये जो है आदतन जो है इस प्रकार के जुर्म करते हैं, तो इसलिए इस प्रकार में ऐसे मामलों में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। और आप समझ सकते हैं कि 5 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उनको अगर बेल मिलेगी तो केवल हाई कोर्ट से ही बेल मिल सकती है। ऑर्डर की कॉपी उनको थमा दी गई है, अब उनके जो वकील है वो सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि उनको बेल मिल जाए। अगर बेल नहीं मिलती तो ये मान के चलिए कि आज उनको सेंट्रल जेल में अपनी रात जो है काटनी पड़ेगी। जी, आज की रात यानी सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल में काटनी पड़ेगी। गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं कुमार रमेश। बिल्कुल, सजा के साथ ही जो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। इससे पहले जब तक उनकी बेल नहीं हो जाती तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा और इसीलिए उनके वकील जो है अब इस कोर्ट के बाद जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटाने गए हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटाने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिएगा। अगर हाईकोर्ट ने उनको बेल नहीं दी तो ये तय है कि वो रात जो है जोधपुर की जेल में काटेंगे। जी, तो अगर बेल नहीं मिलती है तो आज की रात जरूर जेल में काटनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही अगर इसके बाद में कुमार रमेश क्या आज उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है या फिर आज जाना ही पड़ेगा जेल में और कितना लंबा समय जो है सलमान खान को जेल में काटना पड़ सकता है? देखिए अब ये डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर कि हाईकोर्ट उनके मामले में कितनी गंभीरता लेता है, क्या वो आज ही उनकी बेल मंजूर कर देता है या उसमें नोटिस जारी करता है या जो भी चीजें हैं वो हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हाईकोर्ट उनकी बेल ले लेता है तो फिर उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट उसे अगर नोटिस जारी कर देता है
नोटिस कर देता है तो फिर उनको फिर तो जेल में जाना ही पड़ेगा, कि इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और अगर हाईकोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट करता तो उनके पास केवल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पड़ा है। तो लेकिन अभी इसके बाद सीधे वो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट उनके वकील जो जजमेंट की कॉपी है वो देंगे और उसके साथ जो है ये अपील करेंगे कि उनकी बेल होनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में वो FIR में जो है उनका नाम नहीं है, वो उस तरह का दोषी नहीं, केवल लोगों ने पहचान की है। और आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई परिवार इन चीजों से बड़ा खुश है, क्योंकि जो सजा सुनाई गई है तो इन चीजों को लेकर के वो कोर्ट में, यहाँ से जो उनके ऑर्डर की कॉपी लेकर के हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है ये देखने वाली बात है जी। तो हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, क्या बेल मिलती है सलमान खान को या फिर नहीं, ये देखना होगा। हालांकि अगर आज बेल नहीं मिलती है सलमान खान को तो फिर आज की जेल में ही कट सकती है सलमान खान की। कुमार रमेश, इसके अलावा बिश्नोई समाज में जाहिर तौर पर खुशी जो है वो अब देखी जा रही है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उत्साह देखा जा रहा है बिश्नोई समाज में। चलिए, संपर्क टूट गया है तो आपको बता दें कि अब जाहिर तौर पर खुशी की लहर जो है वो बिश्नोई समाज में देखी जा रही है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, 20 साल का करीब वक्त जो है वो लग गया, लेकिन इतने लंबे समय बाद अब आखिरकार सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद में 5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। हालांकि दलीलें तमाम दी गई सलमान खान के वकील की ओर से कि उनको कम से कम सजा जो है वो की जाए, और साथ ही सलमान खान भी यहां पर यही उम्मीद कर रहे थे, मांग उनकी ओर से की गई कि 3 साल से कम की सजा जो है कम से कम उन्हें सुनाई जाए। अगर 3 साल से कम की सजा सलमान खान को सुनाई जाती तो फिर कोर्ट रूम से ही जमानत के साथ सलमान खान रिहा हो जाते, लेकिन अब चूंकि 5 साल की सजा जो है वो सलमान खान को सुनाई गई है, तो ऐसे में जमानत में भी सलमान खान को मुश्किलें जो है वो आनी पड़ेगी। और साथ ही इसके अलावा हालांकि कोशिश की जाएगी कि उच्च न्यायालय की तरफ जो है रुख किया जाए, जमानत की अर्जी जो है वो लगाई जाए, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है आज तो फिर सलमान खान को आज की रात जेल में ही काटनी पड़ सकती है। अब जेल में जो है सलमान खान को आज की रात काटनी पड़ सकती है, गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी हो चुका है। तो सलमान खान सेशन कोर्ट में अब जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, इस पूरे मामले को सेशन कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, और साथ ही यहां पर उनकी ओर से अपील की जा सकती है जमानत की, क्योंकि 5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है और इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो सेशन कोर्ट में सलमान खान जो है वो अपील करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज अगर सलमान खान को राहत नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, तो फिर उनकी ओर से आज जेल में ही उनको आज की रात काटनी पड़ सकती है, जोधपुर सेंट्रल जेल में आज की रात काटनी पड़ सकती है सलमान खान को। और सेशन कोर्ट में अपील जो है वो की जाएगी जमानत की, और अगर आज राहत नहीं मिलती है तो फिर आज की रात जेल में ही काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा बिश्नोई समाज में खुशी जो है इस पूरे मामले को लेकर अब देखी जा रही है। जो फैसला आया है बिश्नोई समाज की ओर से, शुरू से मांग की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है इस मामले में वो सुनाई जाए वन्य जीव संरक्षण मामले में। और साथ ही आपको बता दें कि बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को और साथ ही चिकारे को अपने संतान की तरह जो है वो देखते हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से लगातार इनके संरक्षण के लिए भी जो है प्रयास वो किए जाते हैं। तो ऐसे में अब जो फैसला आया है, जो दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई गई है 5 साल की, तो ऐसे में बिश्नोई समाज में खुशी जो है वो भी देखी जा रही है, और साथ ही न्याय जो है वो मिला है। तो आपको बता दें कि 20 साल लंबा जो है वक्त इस पूरे मामले को लग गया, 1 अक्टूबर 1998 का ये पूरा मामला है, जब काले हिरण का शिकार किया गया था आधी रात को सलमान खान उनके साथियों के द्वारा। हालांकि यहां पर सलमान खान को कंकाड़ी गांव के लोगों ने पहचाना, लेकिन बाकी लोगों को उनकी तरफ से उनकी पहचान नहीं की गई। तो ऐसे में आपको बता दें कि आरोप लगे थे 5 सितारों पर, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान और साथ ही तब्बू, सोनाली और नीलम के नाम शामिल थे, लेकिन बाकी सभी 4 सितारों को संदेह का लाभ जो है वो यहां पर मिला है, लेकिन सलमान खान को दोषी ठहराया गया आज कोर्ट की तरफ से। और साथ ही दोषी ठहराए जाने के बाद में अब 5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है सलमान खान को, इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा के खिलाफ अपील जो है वो सलमान खान की ओर से अब सेशन कोर्ट में की जाएगी। तो सलमान खान को अब 5 साल की सजा सुनाई गई है काला हिरण शिकार मामले में, और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो काला हिरण शिकार मामला सजा पर बहस पूरी होने के बाद जज कोर्ट रूम से अपने चैंबर में चले गए।
तो आपको बता दें कि काला हिरण शिकार का ये पूरा मामला है 1 अक्टूबर 1998 का, जब काला हिरण का शिकार किया गया था सलमान खान और उनके कुछ साथियों की तरफ से, जिनकी पहचान जो है कांकानी गांव के लोगों की तरफ से की गई थी और साथ ही सलमान खान को पहचाना गया था। और अब 20 साल लंबे चले इस मामले में अब जाकर जो है दोषी ठहराया गया सलमान खान को और साथ ही यहां पर सजा का ऐलान हो चुका है। सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा अब सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी सलमान खान की ओर से, और अगर सेशन कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिलती है, आज अगर राहत नहीं मिल पाती है, तो आज की रात जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान को काटनी पड़ेगी। और हमारे साथ इसी बीच हिमांशु राज एडवोकेट हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार हिमांशु जी, सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है वन्य संरक्षण कानून के तहत, लेकिन अब क्या कुछ आगे जो है विकल्प सलमान खान के पास बचता है? सलमान खान जी के पास एक विकल्प ये है कि वो अपील फाइल करें, अपील में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगेगी जिसके बेसिस पे उनको बेल मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मामला जो ये है जो चला है, अगर हम ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि मामला सीरियस जरूर है। जी जी अगला क्वेश्चन जी, लेकिन आज क्योंकि इस मामले को अब इसके जो सजा उनको दी गई है इसके खिलाफ वो अपील जरूर करेंगे, लेकिन क्या आज राहत उन्हें मिल सकती है, क्योंकि सेशन कोर्ट में चलिए संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि अभी सलमान खान जो है वो सेशन कोर्ट की तरफ जो है वो रुख करेंगे और अपील जो है सेशन कोर्ट में की जाएगी उनकी ओर से कि जो है सजा के खिलाफ जो है सेशन कोर्ट से अपील की जाएगी, और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि जमानत की कोशिश जो है वो यहां पर रहेगी। और इसके अलावा अगर आज राहत सलमान खान को नहीं मिलती है तो फिर ऐसे में सलमान खान को जेल में आज की रात काटनी ही पड़ेगी, जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान को भेजा जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अब सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और आज की रात जेल में काटनी पड़ सकती है सलमान खान को, और जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान को भेजा जाएगा। गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं, गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। इसके थी आपको बता दें कि 20 साल बाद अब इस मामले में यह फैसला आया है, 20 साल लंबा यह मामला चला और साथ ही इसके बाद अब यह फैसला सुनाया गया है इस मामले में कोर्ट की तरफ से, और अब दोषी ठहराते हुए सलमान खान को गिरफ्तारी के बाद सलमान खान का मेडिकल चेकअप होगा जिसके बाद उन्हें जेल भी भेजा जाएगा, और आज की रात सलमान खान को जेल में काटनी पड़ सकती है। और सलमान खान को 5 साल की सजा आज सुनाई गई है। जोधपुर की सीजीएम अदालत ने 20 साल पुराने कांकाड़ी गांव में काले हिरण शिकार के मामले में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को आज दोषी करार दिया, और उसके बाद में अब 5 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी सलमान खान पर लगाया गया है।